दोस्तों अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर आप 24 घंटे में अपनी बॉडी के लिए एक घंटा नहीं निकाल सकते तो आप अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 बिलियन लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन के आसपास है। मतलब अभी भी 150 करोड़ लोग के आसपास एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आप दिन भर कितना भी बिजी हो लेकिन अपनी बॉडी के लिए 45 मिनट तो बनते हैं यार। लेकिन अगर आपके पास 45 मिनट का टाइम भी नहीं है तो मैं आपके पास आपसे सिर्फ 5 मिनट लूंगा और आपको 45 मिनट के बराबर की एक्सरसाइज 5 मिनट में करा दूंगा, वो भी विदाउट किसी जिम इक्विपमेंट के। आपके 45 मिनट की जॉगिंग आप करते हो और मेरे 5 मिनट की एक्सरसाइज, दोनों का रिजल्ट एक जैसा होगा। बल्कि 5 मिनट की एक्सरसाइज आपकी स्टिचिंग का भी काम करेगी और रोजाना अगर आप 5 मिनट निकाल के ये एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को बहुत सारे अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। वो फायदे क्या है आगे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले करना क्या है, साइड स्टेप। सफल साइड स्टेप सफल एक्सरसाइज लोअर बॉडी एक्सरसाइज जिसमें आपके ऊपर थाई एब्स और काफ करने में मदद करता है। इसके अलावा इससे पैरों की जो मांसपेशियों की मजबूती होती है वो सिर्फ 45 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करने से आपके पैरों के मसल्स मजबूत हो जाएंगी। साइड स्टेप सफल करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को खोल लेना है और पैरों के बीच में दूरी बना लेना है और अब सामने देखते हुए दाएं और बाएं की तरफ जाकर अपने शरीर को 80 डिग्री पर झुका देना है। एक्सरसाइज लगातार करते हुए 45 सेकंड तक करना है और एक तरफ कम से कम 2 से 3 सेट करने हैं। लेकिन ये सब करने के बाद हर 20 सेकंड पर अपने साइड को चेंज करना है। इसके बाद करना क्या है, माउंटेन क्लाइंबिंग। सेकंड जो एक्सरसाइज आएगी माउंटेन क्लाइंबिंग के, आप समझ गए होंगे एक्सरसाइज माउंटेन मतलब चढ़ाई जैसे करते हैं, जिस तरीके से एक माउंटेन क्लाइंबर पहाड़ पर चढ़ता है ठीक वैसे ही आपको जमीन पर उल्टा लेट के एक्सरसाइज करनी होती है। माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों हाथों की हथेली को जमीन पर रखना होता है और अपने दोनों पैरों के पंजों के बल पर खड़े हो जाना है और अब एक एक करके अपने दोनों घुटनों को पेट तक लाना है, मानो जैसे कि आप माउंटेन पर चल रहे हो। एक्सरसाइज पर आपको कम से कम इस एक्सरसाइज को 45 सेकंड तक करनी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। एक्सरसाइज आपका दिल तंदुरुस्त होता है, इससे वजन को मेंटेन करने में आपको मदद करता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है, पेट की चर्बी को कम करता है। अगली एक्सरसाइज आती है फ्लटर की। फ्लटर कि करने से आपका जो लोअर बेली फैट होता है वो कम करने में इससे मदद मिलती है। फ्लटर बेस्ट एक एक्सरसाइज मानी जाती है। शुरुआत की के 20 सेकंड तो आसानी से गुजर जाते हैं लेकिन उसके बाद एब्स में खिंचाव महसूस होता है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको एब्स बनाने में काफी मदद करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है और अपने शरीर को सीधा कर लेना है और आपके दोनों हाथ हिप्स के नीचे होने चाहिए और उसके बाद अपने दाएं पैर को हवा में 45 डिग्री तक उठाना है और फिर बाएं को ऊपर करना है। इसी तरीके से एक्सरसाइज आपको 45 सेकंड तक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो जाने के बाद रेस्ट ले सकते हैं और फिर बारी आती है बर्पीज एक्सरसाइज की। बर्पी एक्सरसाइज करने के लिए आपके शरीर को हीट मिलती है। ये एक्सरसाइज आपको विंटर में काफी मदद करती है। रोज एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज काफी हार्ट को हार्ड होती है और मगर एक बार आप इसे करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए दाएं हाथ का खेल बन सकता है। बर्पी एक्सरसाइज करने से पहले पुष्प वाली पोजीशन में आ जाना है और उसके बाद अपने पैरों को जंप करते हुए हाथों के पास ले आना है और उसके बाद जंप करते हुए जाना है। इसी तरह आपको 45 सेकंड तक एक्सरसाइज करनी होती है। ये एक्सरसाइज आपका वजन मेंटेन करती है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने में और मसल्स की स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा किडनी और दिल के मरीजों के लिए एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद होती है। एक्सरसाइज करने के बाद कंप्लीट होने के बाद 10 से 15 सेकंड का आपको रेस्ट लेना होता है और फिर हम करेंगे जंपिंग जैक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सभी एक्सरसाइज से आसान मानी जाती है, इससे करना बहुत ही आसान होता है। ये एक्सरसाइज हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से वजन भी मेंटेन होता है। मुझे इसे करने से पैरों से लेकर हाथों तक और पेट की थाई मसल्स जो भी फैट जमा होता है वो सारा कम होता है। इस एक्सरसाइज से हमारा हार्ट बहुत ही हेल्दी होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जंपिंग जैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों को एक साथ देना होता है आउट हुए और जंप करना होता है रेगुलर 45 सेकंड के लिए ऐसे अप और डाउन इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको इससे बहुत फायदा देखने को मिलेगा और बिना किसी इक्विपमेंट के आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज आती है हाई नीज। हाई नीज एक्सरसाइज आपके हार्ट को बहुत ही हेल्दी रखती है और एक हार्ट पेशेंट को बहुत जरूरी होती है एक्सरसाइज। इससे क्या होता है कि ये वार्म अप, इसको वार्म अप एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। आपके पैर और हिप्स और आपका पूरा शरीर तुरंत एक्टिव हो जाता है इससे। इस एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न होती है और लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद होती है। हाई नीज होती है एक्सरसाइज करने में सबसे पहले आपको सीधे खड़े होना है और अपने दोनों हाथों को इस एक्सरसाइज से ऐसे चलना है जैसे आप दौड़ रहे हैं। अपने पैरों के घुटनों को ऊपर उठाते हुए ऊपर लेकर आना है और फिर इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को 45 सेकंड तक करते रहना है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर पीना क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान बॉडी एनर्जी और कैलोरी बर्न करती है। तो ये
जो होता है ये एक्सरसाइज जिन्हें आप रोजाना करते हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा आपकी बॉडी हेल्दी होगी और एक्सरसाइज बहुत ही आसान है जिन्हें करके आप विदाउट किसी भी इक्विपमेंट इसको करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, आप इन एक्सरसाइज को रोजाना कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी बॉडी और हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको रेस्ट करना भी जरूरी होता है जिससे आपकी बॉडी फिट और हेल्दी होती है। इसलिए आप घर पर रहेंगे एक्सरसाइज करेंगे इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप 45 मिनट नहीं 5 मिनट अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके दिन भर के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन ये आपको करना जरूरी है। फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, फिट रहें, हेल्दी रहें, घर में रहें, सुरक्षित।